नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रश्न प्रदोसा की। जैसा हम लोगों को पता है कि 16 सितंबर को अभी जो युवा कल्याण अधिकारी का जो पेपर हुआ था 16 सितंबर 2018 को, तो दोस्तों आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं उसमें कैसा पेपर आया था और उसके आंसर भी यहाँ पर बताएंगे। हालांकि आंसर की आपकी आपसे सलाह आ भी गई हैं, तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे जिनके पास नहीं है, जिन लोगों ने देखा या जो जानते हैं पेपर दिए हैं, और जो लोगों ने नहीं दिया तो आप एक आइडिया लगाएं कि किस तरह के पेपर पूछे गए हैं। 200 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने पूरे लिए हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या उनके आंसर है। तो यहाँ पर मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपको आंसर उसका बताऊंगा। आप अगर उसको सोल्यूशन देना चाहते हैं या कुछ अपने आप से समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को पॉज करके आप उसको अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक आइडिया है ताकि आप आने वाले जो UPSC के एग्जाम से उनके बारे में जान सके कि किस तरह के क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ पर चल रहा है। तो ये 16 सितंबर 2018 का जो पेपर है यहाँ पर, ये मास्टर सेट मैंने लिया है, जो मास्टर सेट है और इसके जो है क्वेश्चन और आंसर्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पेपर। तो दोस्तों ये युवा कल्याण अधिकारी का पेपर है जो भी 16 सितंबर को 2018 को ये हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले पोर्शन यहाँ पर दिया गया है जनरल एप्टीट्यूड का पोर्शन, देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है। तो इसमें जो क्वेश्चन हैं देखिए यहाँ पर बाइलिंगुअल है, ये पोर्शन एक तरफ इंग्लिश दिया है एक तरफ हिंदी आपको दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हमारा है आपको यहाँ पर बताना है ये कौन सी आकृति प्रश्न समूह के अनुक्रम में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आंसर इनके द्वारा सी बताया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर बताया गया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, ऑप्शन आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है आप मिलाते चलिएगा साथ में हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया है कि उत्तर समूह में कौन सी आकृति प्रश्न समूह में दिए गए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आनी चाहिए। तो यहाँ पर उत्तर आकृति इनके द्वारा दी गई है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर दिया गया है इनके द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर यहाँ पर दिया गया है। अगला दूसरा जो क्वेश्चन है तो उसमें भी आपको यहाँ पर दिया गया है कि इसमें जो है निम्न उत्तर समूह में कौन सी आकृति प्रश्न समूह के अनुक्रम में होनी चाहिए। तो आंसर यहाँ पर आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी दिया गया है, यानी कि सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर आंसर डी नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, यानी कि आपका सी यहाँ पर उत्तर सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो देखिए यहाँ पर भी यही प्रश्न है और इसमें उत्तर आंसर क्या होगा। तो इसमें आंसर आपका दिया गया है, आंसर नंबर कौन सा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 है, और इसमें आंसर नंबर आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए आपका यहाँ पर राइट आंसर बताया गया है इनके द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें आपका आंसर क्या दिया गया है, 5 है, इसमें भी वही चिन्ह है, इसमें भी आपको उत्तर आंसर बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, यानी कि यहाँ पर क्या है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इनकी तरह दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन यहाँ पर है तो देखिए यहाँ पर कुछ दिया गया है कि एक कक्षा में 200 बच्चों को उनके पसंदीदा ग्रीष्मकालीन नाश्ते स्नैक के बारे में बताने की, कुकीज और आइसक्रीम दोनों पसंद करते हैं। इधर 12 बच्चों ने बताया कि उस कुकीज और आइसक्रीम दोनों पसंद करते हैं परंतु कपकेक्स नहीं। 6 बच्चों ने बताया कि वे आइसक्रीम और कपकेक्स पसंद करते हैं लेकिन कुकीज नहीं। 8 बच्चों ने कपकेक्स और कुकीज़ दोनों को पसंद किया लेकिन आइसक्रीम को नहीं। 3 बच्चों ने आइसक्रीम, कुकीज और कपकेक्स को छोड़कर अन्य विभिन्न स्नैक्स, पिज्ज़ा, बर्गर, सैंडविच आदि को पसंद किया। तो दोस्तों ये यहाँ पर है वेन डायग्राम से आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। यहाँ पर देखिए वेन डायग्राम के द्वारा इसको बनाया गया है, ये देखिए वेन डायग्राम इनके द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो आप अपना उत्तर जांच सकते हैं, यहाँ पर आप जो है उत्तर यहाँ पर जांच सकते हैं इस वेन डायग्राम के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर मैं उत्तर भी बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर देखिए वेन डायग्राम यहाँ पर पहले देख लीजिएगा आप, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वेन डायग्राम आप लोग देख लीजिए, ये देखिए वेन डायग्राम है, आप पॉज करके देख सकते हैं, फिर आप उत्तर की तरफ बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि कितने बच्चों ने यथार्थतः 2 स्नैक्स पसंद किए। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 26। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि कितने प्रतिशत बच्चों ने 3 स्नैक्स पसंद किए। तो कितने बच्चों ने 3 स्नैक्स पसंद किए, तो आंसर यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये है, तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो वह है कितने बच्चों ने सभी तीनों स्नैक्स, कुकीज, कपकेक्स और आइसक्रीम पसंद की। तो आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 बच्चे। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो वह है यदि कुकीज पसंद करने वाले 10% बच्चे अपना मन बदलकर जलेबियाँ पसंद करते हैं तब सही सही 1 स्नैक्स पसंद करने वाला बच्चों और 3 स्नैक्स पसंद करने वाले बच्चों के बीच संख्या का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, संख्या का अंतर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 159। ठीक है, अगला दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो वह है
नीलम अपने घर से प्रारंभ करके उत्तर की ओर एक मंदिर में जाती है। उसके बाद वह बाएं मुड़कर सीधे बराबर दूरी पर चलती है और बाजार से कुछ खरीदारी करती है। वह फिर से बाएं मुड़कर चलती हुए पुस्तकालय पहुंचने के लिए उतनी ही दूरी तय करती है जितनी उसने घर से चलकर मंदिर को जाने तक तय की थी। वह फिर से बाएं मुड़ती है और अपने घर पहुंचने तक चलती है। उसके साथ उसके रास्ते को किस प्रकार के बनने की संभावना है? तो दोस्तों, ये यहाँ पर आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें जो आंसर दिया गया है तो वो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, समकोण। नेक्स्ट दोस्तों, जो क्वेश्चन हमारा है तो वह है, छह छात्र LMNOPMQ एक वृत्ताकार दायरे में केंद्र को मुकर के बैठे हैं। सभी पड़ोसी अपने पड़ोसी से एक दूसरे की ओर बैठे हैं। हर कोई किसी एक मित्र के एकदम सामने बैठा है। ना एन ना तो डी के बगल बैठा है और ना ही एम के ठीक बगल बैठा है। एल ओ के सामने बैठा है, पी एन के बाईं ओर बैठा है, एन किन के नीचे बैठा है। तो देखिए, यहाँ पर एक पजल दी है दोस्तों, सर्कुलर पजल। तो यहाँ पर 11 में इनका आंसर दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर दिया गया है एल और पी, ठीक है। और ऑप्शन नंबर जो 12 है तो वो यहाँ पर दिया गया है कि एक गाय एक खेत में घास चरती हुई पूर्व की दिशा की ओर चल रही है, फिर वहाँ दाएँ मुड़ती है और चलते हुए चरना भी जारी रखती है। जब वह चलना बंद करती है तो वह अपने प्रथम स्थान से किस दिशा में होगी? तो दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिण पूर्व, ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन यहाँ पर है तो वह है, छह छात्र ABCDEMF एक वृत्ताकार दायरे में केंद्र को मुकर के बैठे हैं। सभी पड़ोसी अपने पड़ोसी से एक समान दूरी पर बैठे हैं। हर कोई किसी एक मित्र को एकदम सामने बैठा है। डी न तो सी के बगल में बैठा है और ए और एफ न ही उनके सामने बैठे हैं और एक दूसरे के सामने बैठे हैं। बी सी के सामने बैठा है, डी के सामने कौन बैठा है? तो दोस्तों, आपका यहाँ पर बताना है। आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, फिर हमें जरूर आंसर बताइए। मैं यहाँ पर आंसर आपको बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें आंसर जो दिया गया है तो वो दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ई आपका आंसर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, तो इसमें देखिए कहा गया है, निम्न कथनों को सत्य माने भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात से भिन्न हों, भिन्न प्रतीत होते हैं। ये ज्ञात करें कि कौन सार्धे साथ से निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्कपूर्ण रूप से अनुसरण करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर कुछ चीज़ें बतानी है। तो यहाँ पर अनुसरण, तर्क और अनुसरण के यहाँ पर क्वेश्चन है। तो इसमें जो है आपको आंसर यहाँ पर देना, निष्कर्ष है सबसे पहले, अनुसरण यहाँ पर है, सभी अभिनेतियाँ सुंदर होती हैं। तो यहाँ पर निष्कर्ष कुछ दिए गए हैं, तो आपको बताना है इसमें से कौन निष्कर्ष है। यदि ए सुंदर है तो वह अभिनेत्री होनी चाहिए, यदि ए अभिनेत्री है तो वह सुंदर होनी चाहिए, ए भद्दी है तो ए अभिनेत्री होनी चाहिए, अभिनय करने वाले भद्दे होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर तर्क आपको बताना है, तो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में जो सही आंसर इनके द्वारा बताया गया, तो वो बताया गया है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ठीक है। अगला दोस्तों, जो क्वेश्चन इनके द्वारा दिया गया है तो वह है, यहाँ पर कथन और ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो इसमें जो है इनके द्वारा कथन और निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया है। तो कथन क्या है कि चार्ली चैपलिन ने जितने भी फिल्मों में अभिनय किया सब मूक फिल्में थीं। उनके कुछ फिल्म MGM द्वारा बनाए गए थे। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आपको सही बताया गया, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी को सही बताया गया है, यानी कि केवल दो अनुसरण करता है, ठीक है। अगला दोस्तों, जो क्वेश्चन हमारा है तो वह तर्क निष्कर्ष का, ये भी क्वेश्चन है। तो कथन और निष्कर्ष का, तो यहाँ है, उस बेकरी के ज़्यादातर केक महंगे हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है 16। तो इसमें जो आंसर सही बताया गया है तो वो बताया गया है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल अनुसरण तीन निष्कर्ष करता है। ऑप्शन नंबर तीन सही ऑप्शन बताया गया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दोस्तों, जो क्वेश्चन है ये भी तर्क, कथन और तर्क का क्वेश्चन, यहाँ पर कथन और निष्कर्ष का दिया गया है। तो इसमें कथन आपका ये दिया गया है कि अधिकांश महानगरीय घर 3 मंजिल से अधिक वाले भवनों में हैं। महानगरों के 2 मंजिलों से अधिक वाले अधिकांश भवनों में लिफ्ट हैं। तो यहाँ पर जो तर्क सही आपका बताया गया है तो वो बताया गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल दो अनुसरण करता है। क्या अनुसरण करता है? केवल यहाँ पर दो अनुसरण करता है, ठीक है। अगला दोस्तों, जो क्वेश्चन यहाँ पर है तो ये देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, यदि शहर को चॉकलेट कहा जाता है, चॉकलेट को सुगर कहा जाता है, या सुगर को जाय कहा जाता है, और जाय को स्वतंत्रता कहा जाता है, तो कोको बीन्स से निम्नलिखित में से क्या बनता है? तो दोस्तों, कोको बीन्स से निम्नलिखित में क्या बनता है? क्वेश्चन नंबर 18 है ये, और इसमें आंसर दिया गया है आपका सुगर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर दिया गया है। अगला दोस्तों यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वैसे ही संबंधित है जैसे प्रथम शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। तो जैसे चौड़ा संकीर्ण, तो पैना का क्या होगा यहाँ पर? तो क्वेश्चन नंबर 19 में जो इनके द्वारा आंसर दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, चौड़ा का धार, पैना का धारहीन, ठीक है।
अगला दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो वह है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वैसे ही संबंधित है जिससे प्रथम शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। तो पक्षी का पक्षी वैज्ञानिक, तो कीट का कीट वैज्ञानिक क्या इसमें है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा है? 20। तो 20 में ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कीट वैज्ञानिक। ठीक है, अगला दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो वह है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वैसे ही संबंधित है जैसे प्रथम शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। जैसे कि 10 का दशमलव, तो 2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आंसर यहाँ पर दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर यानी कि युग्मक यानी कि बाइनरी, 2 का क्या हो जाएगा? बाइनरी। अगला दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि यदि लाल को पीला कहा जाता है, पीला को हरा कहा जाता है, हरा को लाल कहा जाता है, तो ट्रैफिक सिग्नल पर निम्नलिखित में से कौन सा रंग ठहरिए का संकेत देगा? तो देखिए ठहरिए का संकेत कौन देता है? लाल। और लाल को यहाँ पर क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? और क्वेश्चन नंबर 22 है तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पीला, क्योंकि लाल को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? पीला कहा जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो वह है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वैसे ही संबंधित है जैसे प्रथम शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। जैसे कि स्वर समता मतलब संगीतकार, तो पुस्तक का यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रकाशक, लेखक, मुद्रक या प्रायोजक। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लेखक। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो वह है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वैसे ही संबंधित है जैसे प्रथम शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। जैसे कि गड़बड़ का दोष होता है तो प्रवेशक का यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर प्रवेशक का हो जाएगा आपका मार्गदर्शक यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर इनके द्वारा बताया गया है। अगला दोस्तों जो यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि कैच को ड्रॉप कहा जाता है, ड्रॉप को थ्रो कहा जाता है और थ्रो को टॉस कहा जाता है, तो किसी बाल को आगे बढ़ाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों किसी बाल को आगे बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा टॉस। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो वह है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित जैसे प्रथम शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। जैसे कि बांसुरी का वादक, बांसुरी वादक का बांसुरी है, तो सेलो वादक का यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जब बांसुरी वादक का बांसुरी होता है तो यहाँ पर सेलो वादक का आपका हो जाएगा वायलन सेला। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है तो ये भी वैसी तरह से बताना है। यहाँ पर सुवास का सुगंध दिया है तो शहद का आपको बताना है। तो देखिए जब सुवास का यहाँ पर सुगंध दिया है तो शहद का आपको यहाँ पर बताना है, शहद का हो जाएगा मिठास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है, किसी कोड भाषा में RHYTHM को ISBGSN के रूप में कोड किया गया है, तो उस भाषा में DRUM को कैसे कोड किया जाएगा? तो दोस्तों आंसर जो आपका यहाँ पर दिया गया है DRUM को कैसे कोड किया जाएगा, तो आंसर नंबर बी आपका सही आंसर दिया गया है WIFN। ठीक है, अगला दोस्तों जो क्वेश्चन यहाँ पर है तो वह है किसी कोड भाषा में कैरियर को XZIVVI के रूप में कोड किया गया है, तो उस भाषा में एग्ज़ाम को कैसे कोड किया जाएगा? तो दोस्तों इस भाषा में जो एग्ज़ाम को कोड किया जाएगा तो वो किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि VCZN, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो वह है दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? हर अक्षर का प्रयोग उतनी ही बार किया जा सकता है जितनी बार उनका प्रयोग शब्द में हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताता है म्यूटेट ही MUTATE से कौन सा ऐसी कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो आंसर इनके द्वारा जो दिया गया है तो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है यानी कि मीट। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो ये भी वही क्वेश्चन है, उपयोग करके निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? हर अक्षर का प्रयोग उतनी ही बार किया जा सकता है जितनी बार उनका प्रयोग शब्द में हुआ है। तो दोस्तों आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेरीफाई दिया गया है, तो टेरीफाई का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आपका क्वेश्चन नंबर 31 है तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर इनके द्वारा दिया गया है, FEET फीट। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा तो वह है किसी कोड भाषा में फाइट को EHFS FGS के रूप में कोड किया गया है, तो उस भाषा में जो है PIECE को कैसे कोड किया जाएगा? तो आंसर यहां पर इनके द्वारा जो दिया गया 32 क्वेश्चंस में तो वो दिया गया ऑप्शन नंबर सी यानी कि OSDBD आपका यहां पर सही आंसर इनके द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो वह है किसी कोड भाषा में चाइल्ड को EJKNF के रूप में कोड किया गया है, तो उस भाषा में PARENT को कैसे कोड किया जाएगा? तो दोस्तों इस भाषा में PARENT को कोड जो किया जाएगा, तो आंसर दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि RCTGPV। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन यहाँ पर है तो वो है निम्नलिखित में संख्याओं का कौन सा जोड़ा अन्य से भिन्न है? तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है इसमें कौन सा जोड़ा अन्य से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 34 है तो इसमें आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसको अन्य से भिन्न बताया गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें है क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी यहां पर दिया गया है यानी कि यहां पर 4 और 32 को यहां पर अन्य से भिन्न बताया गया है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन यहां पर है तो वह है किसी कोड भाषा में पेयर को
1234 के रूप में, लेयर को 5234 के रूप में, LIMP को 5396 के रूप में कोड किया गया है। उस भाषा में आई अक्षर के लिए क्या कोड होगा? तो उसे यहाँ पर आई अक्षर के लिए जो कोड इनके द्वारा बताया गया है, तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर यहाँ पर दिया गया है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला के खाली स्थान को कौन सी संख्या आएंगी? तो इसके खाली स्थान में आपको बताना, देखिए ये एक का क्यूब, यहाँ पर फिर दो का क्यूब, यहाँ पर एक का स्क्वायर, ऐसे आप करते चलिए। यहाँ पर एक का स्क्वायर है, तो एक का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। फिर दो का क्यूब यानी कि 8 होता है। फिर तीन का स्क्वायर यानी कि फिर नहीं एक का यहाँ पर क्यूब क्यूब दिया गया है। फिर 8 का यहाँ पर क्या दिया गया है? एक का स्क्वायर दिया गया है। फिर यहाँ पर आपको 2 का क्यूब दिया गया है। फिर 3 का क्यूब दिया गया है। फिर 4 का क्यूब दिया गया है, यानी कि सारे क्यूब ही यहाँ पर दिए गए हैं। 1 का क्यूब दिया गया है, फिर 2 का क्यूब दिया गया है, फिर 3 का क्यूब दिया गया है, फिर 4 का क्यूब दिया गया है, फिर 5 का क्यूब दिया गया है। तो यहाँ पर 6 का क्यूब कितना होगा? 216, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही आंसर हो जाता है। अगला दोस्तों जो यहाँ पर क्वेश्चन है, तो वह है यदि प्लस को भाग में बदला जाता है, माइनस को गुणा में बदला जाता है, भाग को माइनस में और गुणे को प्लस में बदला जाता है, तो नीचे दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर इनका जो मान बताया गया है, तो वो बताया गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 131 इसका सही मान बताया गया है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो वह है निम्नलिखित संख्याओं का कौन सा जोड़ा अन्य से भिन्न है? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है इनमें से कौन से संख्याओं का जोड़ा यहाँ पर अन्य से भिन्न है, ये बताया गया है। तो आंसर यहाँ पर 38 क्वेश्चन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 और 24 को भिन्न अन्य से बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन यहाँ पर ये नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो यानी कि 7 और 50 को अन्य से भिन्न बताया गया है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है, तो वह है नीचे दिए गए समीकरणों को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया गया है, उसी प्रणाली के आधार पर नीचे गए अनसुलझे समीकरण के लिए 4 विकल्पों में से सही उत्तर का पता लगाएं। देखिए 25 से 45 को यहाँ पर 20 किया गया है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि और 78 से 45 को यहाँ पर 3 किया गया है, और 61 से फिर 40 यहाँ पर कितना होगा? तो दोस्तों आंसर जो यहाँ पर दिया गया है 39 क्वेश्चन में, तो वो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला दोस्तों जो यहाँ पर आपका दिया गया है क्वेश्चन, तो यहाँ पर एक डाई दिया, वो डेटा दिया गया है, और यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है, ये आप चित्र को यहाँ पर ध्यान से देखें और इसके बाद इन क्वेश्चंस का आंसर दें। तो अगर आप इस डायग्राम को देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, देखिएगा, फिर अपने हिसाब से सॉल्व करिएगा। मैं यहाँ पर आपको आंसर्स इसके बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 40 में आपका आंसर जो दिया गया है, तो वो दिया गया है दो विभिन्न वर्षों में कौन सी फसलों का उत्पादन एक समान मात्रा में हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर दिया गया है आपका, दो विभिन्न वर्षों में कौन सी फसलों का उत्पादन एक समान मात्रा में हुआ है, तो आंसर जो इनके द्वारा दिया गया है, तो वो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, चावल और मक्का। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन यहाँ पर है, तो वह है किसी भी फसल के निम्नतम और उच्चतम उत्पादन के बीच मात्रा का अंतर करीब करीब कितना है? तो मात्रा का अंतर जो करीब करीब यहाँ पर बताया गया है, तो वो बताया गया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 800 टन। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन यहाँ पर है, तो वह है 2004 से 2007 के बीच चावल उत्पादन के आंकड़े यह दर्शाते हैं, 5% की कमी या 55% की कमी या 55% की वृद्धि या 5% की वृद्धि। तो आंसर यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 55% की कमी। अगला दोस्तों जो यहाँ पर क्वेश्चन है, तो वह है मक्का की उत्पादन में किस वर्ष में 3 गुना वृद्धि हुई? तो दोस्तों मक्का के उत्पादन में किस वर्ष में 3 गुना वृद्धि हुई? तो आंसर दिया गया है 2005, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, तो वह है किस वर्ष में सभी तीनों फसलों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है? तो आंसर यहाँ पर जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 44 में, तो वो यहाँ पर दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा दिया गया है 44 में, तो आंसर आपका यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2007। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, तो वह है किस वर्ष में ज्वार का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 गुना हो गया है था? तो आंसर जो यहाँ पर दिया गया है, तो वो 45 में आंसर यहाँ पर जो दिया गया है, तो वो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2005। अगला दोस्तों जो यहाँ पर क्वेश्चन है, तो वह है किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक गिरावट आई है? तो आंसर जो 46 क्वेश्चन नंबर में दिया गया है, तो वो दिया गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2006 में मक्का में। ठीक है, अगला दोस्तों जो क्वेश्चन यहाँ पर है, तो ये देखिए आपका पाई चार्ट दिया गया है यहाँ पर, इसके हिसाब से आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताना है। तो आप इस पाई चार्ट को अच्छे से देख लें, वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख लें इस पाई चार्ट को, और उसके बाद नीचे दिए गए देखिए पाई चार्ट विद्यालय के 300 बच्चों द्वारा दर्शाए गए सबसे अधिक पसंदीदा लेखक के आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। दी गई जानकारी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मेरा पर्पज आपको बताना है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सोल्यूशन मैं नहीं दे रहा हूँ। अगर आप इसकी डिमांड करते हैं सोल्यूशन की, तो मैं बाद में इसके लिए एक और डेडिकेटेड वीडियो बना लूँगा, जिसमें मैं आपको विद सोल्यूशन आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।
तो अगर आप चाहते हैं सर तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो नीचे दिए पाई चार्ट यहाँ पर बताना है, तो ये पाई चार्ट को आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं आंसर आपको बता देता हूँ। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन इससे पूछा गया है, कितने प्रतिशत बच्चों ने एनिन ब्लाइटन को अपना पसंदीदा लेखक बताया है, तो आंसर यहाँ पर जो दिया गया है 47 क्वेश्चन नंबर में तो दिया गया ऑप्शन नंबर बी यानी 16.6%। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा तो वो है, जेक रोलिंग को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या की तुलना में कितने अधिक बच्चे एनिल ब्लाइटन और रस्किन बॉन्ड को पसंद करते हैं, तो आंसर यहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 48 में तो वो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20। ठीक है, अगला दोस्तों जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया तो वह है, एनिल यदि एनिल ब्लाइटन को पसंद करने वाले 1/5 बच्चे इस सदस्यों से बाहर निकलने का निर्णय लेते हैं तो एनिल ब्लाइटन को पसंद करने वाले बच्चों का नया प्रतिशत क्या होगा, तो दोस्तों इसका जो नया प्रतिशत यहाँ पर बताया गया है तो आंसर आपका बताया गया है ऑप्शन नंबर ए ये 13.79%। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है तो वह है, यदि जेके रोलिंग को अपना पसंदीदा लेखक बताने वाले 10% बच्चे रोल्ड डाहल के पक्ष में अपनी पसंद बदल लेते हैं तो रोल डाहल को पसंद करने वाले बच्चों का नया प्रतिशत क्या होगा, तो आंसर जो यहां पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 50 में तो वो दिया गया है यहां पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 23.6%। तो ये थे दोस्तों रीजनिंग के जो आपको यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि किस तरह के यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आए हुए थे। अगला दोस्तों पोर्शन पर बढ़ते हैं तो यहाँ पर अब आ जाता है जनरल नॉलेज, तो अब देख लेते हैं जनरल नॉलेज में किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन है कि लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग मूर्तिकला मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएँ प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है, तो यहाँ पर क्या लखनऊ में इसके लिए स्थापित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी ललित कला अकादमी, आप जानते होंगे अगर आप लखनऊ के निवासी हैं, नहीं हैं तो आप आकर यहाँ पर देख सकते हैं ललित कला अकादमी यहाँ पर इसके लिए बनाई गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर यहाँ पर है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो वह है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि BCCI ने भारत में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए UN एनवायरमेंट को साथ एक आशय पत्र यानी कि LOI पर हस्ताक्षर किया है, तो किस आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है, तो आंसर जो आपका यहाँ पर हो जाएगा तो वो हो जाएगा हरा यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन यहाँ पर है तो नई दिल्ली में आयोजित 52वें स्कॉच सम्मेलन में ई गवर्नेंस में उनके उल्लेखनीय काम के लिए निम्नलिखित में से किसको चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया, तो दोस्तों चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर जो पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है तो वो यहाँ पर दिया गया है वसुंधरा राजे को, यानी जो कि राजस्थान की मुख्यमंत्री हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन यहाँ पर है तो वह है, जून 2018 में तुर्की के राष्ट्रपति फिर से चुनाव में जीते और अब तुर्की के इतिहास में सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति हैं, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही आंसर हो जाएगा, कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं, तो आंसर यहां पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रिसेप तैयब इर्दोगन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन यहाँ पर है तो वह है, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को चरण 1885 से 1905 भी कहा जाता है, तो भारतीय राष्ट्रवाद के जो पहले या प्रारंभिक चरण को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मध्यम चरण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 55 में यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बताया गया है यानी कि मध्यम चरण। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन यहाँ पर तो है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना में की थी, तो दोस्तों महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी ये आपको बताना है, तो 56 में आपका दिया गया है फरवरी 1919, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो वह है, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे, तो राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे, तो आंसर यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय, आप अच्छे से जानते होंगे। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो वह है, सिनेमा में इंडो फ्रांसीसी संबंधों को मजबूत बनाने में उनके योगदान के लिए फ्रांसीसी सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस अभिनेता को चेवलिन डी एल ऑड्रे ड्रेस आर्ट्स एंड ड्रेस लेटरेस से सम्मानित किया गया है, यानी कि नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट इन लेटर से सम्मानित किया गया है, तो आंसर यहां पर आपका हो जाएगा जो 58 में तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कल की कोचलिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही आंसर यहां पर इनके द्वारा बताया गया है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो वह है, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी, कहाँ पर हुई थी ये, तो आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा 59 क्वेश्चन में तो वो हो जाएगा बम्बई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है तो वह है, 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था, तो 1917 का कौन सा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन था, सत्याग्रह था, या नागरिक अवज्ञा, चंपारण या खेला, तो 1917 का जो आंदोलन था ये था आपका चंपारण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो वह है, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के साथ सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, तो दोस्तों जो दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं तो वो आपका यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुनील छेत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो वह है,
हरियाणा विधानसभा ने सर्वसम्मत से आपराधिक कानून हरियाणा संशोधन 2018 विधेयक पारित किया, जो साल या उससे कम उम्र की लड़कियों को बलात्कार के दोषी पाए गए अभियुक्त के लिए मौत की सजा का प्रावधान रखता है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 वर्ष या उससे कम उम्र। ठीक है, अगला दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो वह है 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो आयोजन ये किया गया था, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दादा भाई नौरोजी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन यहाँ पर है तो वह है वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा से अधिक है। तो दोस्तों वैश्विक कपास उत्पादन में जो भारत का हिस्सा है वो एक तिहाई से अधिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन यहाँ पर है तो वह है भारत के सकल घरेलू उत्पादन यानी कि जीडीपी में कृषि योगदान लगभग है। तो दोस्तों भारत के सकल घरेलू उत्पादन की जीडीपी में जो कृषि योगदान है तो वो है लगभग 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन यहाँ पर है तो वह है इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है। तो दोस्तों कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक कौन सा नहीं है इनमें से, ये पूछा गया। तो आंसर आपका होगा सी, अनुकूल मंडी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है तो वह है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्न में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी, ओडिशा। बाकी सारे यहाँ पर राज्यों को ये स्पर्श करती है सीमा, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, ओडिशा जो है इसको ये स्पर्श नहीं करती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो वह है झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है या भारत की सबसे बड़ी झील है, झील भी है। तो कौन सी ऐसी झील है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चिल्का झील, सभी लोग इससे परिचित होंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो वह है मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों अगर आपने हमारी UP SSSC स्टडी प्लान जो कि मैंने चैनल पर अपलोड किया है, लगभग 10-10 से 15-15 पार्ट हर एक सेक्शन, यानी कि अर्थशास्त्र, इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, सबके सेपरेट पोर्शन यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं और इसी तरह से ये कंटिन्यू भी चल भी रहा है, लगभग ख़त्म भी होने वाला है। आपको उसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सब लगभग डिस्कस कर दिए हैं और ख़त्म होने की तरफ बढ़ रहा है वो, लेकिन फिर भी उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं। अगर आपने उसको पढ़ लिया है, अगर आपने उसको पढ़ा है, हमारे उस UP SSSC स्टडी प्लान को अच्छे से पढ़ा होगा या देखा होगा, तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर वहाँ पर मैंने वहाँ देने की पूरी कोशिश की है और उसमें आंसर्स दिए हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो सारी की सारी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, भूगोल की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, 10-12 पार्ट हैं, इतिहास के भी इसी तरह से हैं, और उसमें ऑलरेडी जो भी नए बन रहे हैं वह उसमें मैं ऐड करते जा रहा हूं, तो उसको आप ज़रूर देखें। तो नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आप यहां पर जो क्वेश्चन हमारा है तो वह है किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडियास के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों स्टील सिटी ऑफ इंडियास के नाम से जो जाना जाता है, तो जाना जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जमशेदपुर। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन यहाँ पर है तो वह मुंबई में आयोजित एक समारोह में किस हस्ती को 2017 के हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार से जो अभी सम्मानित किया गया था, तो आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाता है, जावेद अख्तर को। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो वह है भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो दोस्तों कितने हैं हवाई अड्डे भारत में, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 17 हवाई अड्डे हैं भारत में। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो वह है गतिमान एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो नई दिल्ली और आगरा के बीच अधिकतम किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। तो कितने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 73 में 160 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है तो वह है इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है। तो दोस्तों पश्चिम दिशा में बहती नदी इनमें से कौन सी ऐसी जो पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है भारत में, तो आंसर आपका जो हो जाएगा 74 में तो हो जाएगा डी, यानी कि जो कृष्णा नदी है पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन है भारत में लगभग प्रमुख बंदरगाह हैं। तो दोस्तों भारत में लगभग कितने प्रमुख बंदरगाह हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12 जो है भारत में लगभग प्रमुख बंदरगाह हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन यहाँ पर है तो वह है भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा में अपनाया गया था और 26 जून 1950 को लागू किया गया था। तो भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, तो यहाँ पर ये सभी लोग जानते होंगे, कॉमन क्वेश्चन है, तो आंसर आपका हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन यहाँ पर है तो वह है प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस दिन को मनाया जाता है या दिन संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 की जारी होने का प्रतीक है, तो ये कब मनाया जाता है। तो आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 अप्रैल। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो वह भारत के संविधान की अनुसूची
में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। तो कौन सी सूची में इसका प्रावधान है दोस्तों? तो आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छठी अनुसूची में इसका प्रावधान है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में शीर्षक से एक परिच्छेद जो है यहाँ पर जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान कवर करता है। तो दोस्तों आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा पंचायत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। दोस्तों अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो भारतीय राजव्यवस्था में इसको डिस्कस भी किया है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो वह है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? तो ये भी मैंने डिस्कस किया है वहाँ पर, तो 80 में जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 49। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की थी, तो महात्मा गांधी ने कौन सी अर्थव्यवस्था की वकालत की थी? तो इन्होंने की थी विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ 81 में ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो वह महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। तो महात्मा गांधी के लिए कौन सी चीज़ ऐसी थी? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि खादी जो है ये भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो वह है, इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? तो कौन सा इसमें महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? तो आपका साफ साफ यहाँ पर ये दिख रहा है वर्धित, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है 83, तो इसमें दिया गया है कौन सा महत्वपूर्ण सुधारों में वर्धित SLR, ये इनके द्वारा आंसर यहाँ पर बताया गया है ऑप्शन नंबर डी। तो आप देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो वह है, वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र का है कितने प्रतिशत है? तो वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का जो वास्तविक कवर भौगोलिक क्षेत्र है, तो आंसर यहां पर आपका जो दिया गया है इनके द्वारा, तो वो दिया गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 21.54%। ठीक है दोस्तों, इसको भी मैंने डिस्कस किया है अपने जो है भूगोल के सेशन में। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो वह है, केंद्रीय प्रकरण इकाई यानी कि CPU और मुख्य पृष्ठ के बीच एक बफर के रूप में कार्य करता है, तो कौन सा कार्य करता है? तो ये करता है कैश मेमोरी, यानी कि कैश स्मृति, यानी कि ऑप्शन नंबर 85 में आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो वह, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में सुधार के लिए महत्वपूर्ण ढांचा विकसित करने का कदम उठाया है, तो कौन सा सुधार के लिए महत्वपूर्ण ढांचा विकसित करने का कदम उठाया? तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विद्यालय शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा तो वह, उत्तर प्रदेश के में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्यविधि की नींव रखी, तो कहाँ पर यहाँ पर पहला अपना उपदेश दिया था? तो आंसर आपका हो जाएगा सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन यहाँ पर है तो वह, जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिन तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलाहाबाद। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है तो वह है, को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया, तो ये कब आया था नया राज्य अस्तित्व में, उत्तराखंड नामक राज्य जो अस्तित्व में आया था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 9 नवंबर सन 2000 में ये जो है नया राज्य अस्तित्व में आया था। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो वह है, उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है, इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है जिसमें एक घूंघट काढ़े महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर नृत्य करती है, तो कौन सी ऐसा नृत्य है यहाँ पर आपको ये बताना है? तो आंसर आपका हो जाएगा चारकुला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है तो, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्पादकों में से एक है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्पादकों में से एक है, आपको बहुत सही सरल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तो गन्ने आप जानते ही हैं उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा प्रमुख उत्पादकों में से एक है। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो वह है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 14 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नामित किए जाने के बाद ने 22 जुलाई 2014 को शपथ ग्रहण की थी, तो किसने ऐसा किया था? तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राम नाइक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो वह है, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और जनगणना 2011 तक दी गई संख्या के अनुसार इसकी आबादी घनत्व तो प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो दोस्तों इसकी जो आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो वह है, उत्तर प्रदेश में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नई उत्तर प्रदेश प्रवेश सिविल प्रदेश सिविल संबंधन नीति 2017 पेश की गई है, नीति संबंधन में पर्यटन को भी बढ़ावा देगी, तो कौन सी ऐसी नीति यहाँ पर संबर्धित की गई है? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विमानन संबंधन नीति, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर बताया गया है 94 क्वेश्चन में। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो वह है, उत्तर प्रदेश राज्य के का बड़ा आधार आई टी और ITES उद्योगों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है, जिससे सॉफ्टवेयर कैप्टिव बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग BPO और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं, तो ऐसा कौन सा यहाँ पर सोर्स उभरा है? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौशलपूर्ण श्रमिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो वह है, परिधीय
उपकरण कार्यक्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्ट होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिधि उपकरण नहीं है? तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो परिधि उपकरण नहीं, तो आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। अब देखिए इसको इंग्लिश में जान लेते हैं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए इंग्लिश में इसमें दिया गया कि पेरीफेरल डिवाइस आपको बताना है। पेरीफेरल डिवाइस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम टू एड फंक्शनैलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेरीफेरल डिवाइस। तो आपको पेरीफेरल डिवाइस कौन सी नहीं है इसमें आपको बताना है। तो पेरीफेरल डिवाइस है माउस, स्कैनर, प्रिंटर, तीनों पेरीफेरल डिवाइस है। मदरबोर्ड जो है आपका पेरीफेरल डिवाइस नहीं है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो वह है कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार, कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है, इसका उपयोग आमतौर पर द्विधारी संख्या प्रणाली को उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 97 में बी सही हो जाएगा, डिजिटल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है 98, तो यहाँ पर उसमें कहा गया है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय नहीं है जिससे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। तो आंसर यहाँ पर 98 में आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रलेख और पीएचडी की संचिकाएं, ये आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बताया गया है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन यहाँ पर है तो वह है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन, किस दौरान देखी गई थी? तो दोस्तों जो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी यानी कि जो सेकेंड जनरेशन है, तो ये देखी गई थी 1957 से 1962, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर तीसरी पीढ़ी की बात की गई है, तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, तीसरी पीढ़ी की बात की गई है तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 100 में, यहाँ पर बी 1967। तो दोस्तों ये थे आपके यहाँ पर इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस दोस्तों, ये जिसमें मैंने रीजनिंग और जो जीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको यहाँ पर कवर किया है। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए इसके लिए मैंने इसका सेकंड पार्ट तैयार किया है, जिसको भी मैंने अभी थोड़ी देर में आपको अपलोड कर दूंगा। तो इस प्रकार से 200 क्वेश्चन जो आपके पेपर में आए थे वो सारे के सारे यहाँ पर क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों इसको आप देख लीजिए, फिर उसके बाद में थोड़ी देर में आपको अभी पार्ट टू यानी कि 100 और जो क्वेश्चन हैं बाकी सेक्शन से, तो उनको भी यहाँ पर मैं कवर कर लूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके और वो भी जान सकें कि किस तरह का पेपर युवा कल्याण अधिकारी का आया था और कैसे हमें प्रिपरेशन यहाँ पर करनी चाहिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।